कलरफुल वर्ल्ड। ओके, हम लोग एक्सरसाइज का फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर रहे थे राइट, और लास्ट में हमने वो नियर वो विजन एंड फार विजन का किया था। ओके, यस, फाइव में जो नियर विजन था राइट, उसमें क्या आया था, सॉरी डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन में आया था 1/-5.5 राइट, और उसमें 0.181 मीटर -0.181, ये यही करेक्ट आंसर है ना, ये डिवीजन भी मैंने किया। नेक्स्ट इज नियर विजन, नियर विजन में क्या आया था, f = 1/+1.5 दैट इज इक्वल टू 0.667 मीटर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट हम लोग सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज जो है अभी सिक्स क्वेश्चन क्या है रीड करो तो स्मिथ। द फाइव नंबर ऑफ माय ओके पर्सन इन द इन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। यस, द फाइव पॉइंट ऑफ द मायोपिया पर्सन इज 80 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द आई राइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स राइट। तो लेट्स सी, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, फार लिखा है ना, तो u इज इक्वल टू इनफिनिटी। इमेज डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज शाम में बन रही है ना, मायोपिया में तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, ऑब्वियसली कॉनकेव राइट, तो मायोपिया है तो इमेज का कौन सा डिस्टेंस पे 80 दिया है हमें क्वेश्चन में, यस और नो, 80 मीटर राइट, बट हम क्या लिखेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड है कन्वेक्शन साइन याद है, चैप्टर 10 का कन्वेक्शन साइन में जो लेफ्ट साइड है उसको हम माइनस लिखेंगे, राइट साइड हम उसको प्लस, अप है तो प्लस, डाउन है तो माइनस, याद है ना। मायोपिया पढ़ा था
नियर राइट मतलब उसको उसमें हम लेंस से ही करेक्ट करेंगे राइट उसकी जो डिफेक्ट है वो है अभी पावर ढूंढेंगे ना अभी पावर ढूंढेंगे राइट ये तो क्या मिला Seven people.
What is the power of lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter, right? तो क्या क्या हमें दिया है? See, U दिया है, right? हमें object distance देखो फटाफट. Object distance U is equal to minus 25 centimeter. Image distance V is equal to minus 1 meter is equal to minus 100 meter. Focal length Thank you.
करते हैं 3.3 है ना सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे साइज ऑफ आईज कैन नॉट
इंक्रीज और डिक्रीज, वो तो मसल सिर्फ एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साइज आइज की साइज थोड़ी हम कर सकते हैं। इंक्रीज द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डिक्रीज कॉमा द इमेज, द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वेन वी इंक्रीज, वेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई द इमेज डिस्टेंस इन द आई, द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट फिर फुल स्टॉप, फिर व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई लिखा हुआ था कॉमा, द इमेज डिस्टेंस इन द आई, द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज नॉट चेंज, द फुल स्टॉप, द इंक्रीज इन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फुल स्टॉप, द इंक्रीज इन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉम्पेंसेटेड, मैं वर्ड पे लिख रही हूँ स्पेलिंग कॉम्पेंसेटेड, कॉम्पेंसेट मतलब एडजस्ट हो रहे बाय द चेंज, बाय द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, फुल स्टॉप, द फोकल लेंथ ऑफ द आईज, द फोकल लेंथ ऑफ द आईज चेंजेस इन सच अ वे, फोकल लेंथ ऑफ द आईज चेंजेस in such a way that the image is always formed, formed, that the image is always formed at the retina of the eye, at the retina of the eye. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, राइट? वैसे आप खुद भी लिख सकते हो बट अगर आपको लिखना है तो लिखवा दो कि लिख लोगे आप लिख लोगे व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, राइट? वो होमवर्क में है जो आंसर 10 है ना, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, वैसे तो हमने पूरा टॉपिक समझा है राइट, क्यों ट्विंकल करते हैं, राइट? देखो मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, बाद में आप लिख लेना, ओके? द स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट एंड दे ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, स्टार्स कैसे हैं? अर्थ से बहुत दूर है, हेंस दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट, राइट? इसीलिए वो हमें लाइट के पॉइंट सोर्स के जैसा दिखता है। When the light coming from the stars enter to the Earth's atmosphere, समझ लो यहाँ पे पहले, समझ लो आप खुद भी लिख सकते हो, right? जब stars से light enter होती है Earth के atmosphere में, right? When the light coming from the stars enter to the Earth's atmosphere, it gets reflected at different level, right? Atmosphere में अलग अलग level होते हैं, troposphere, stratosphere, right? It gets reflected at different level. Because of variation of air density, air की density अलग अलग हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा dense है, ऊपर जाओगे तो हवा थोड़ी clear मिलेगी, right? Because of its density at different level of the earth, when the starlight reflected by the atmosphere come more towards us, it appear brighter than when it comes less towards us, right?
भी लेस दिखता है. देयरफॉर इट अपीयर एज इफ द स्टार्स आर ट्विंकलिंग एट द नाइट. राइट, कभी वो ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा इसीलिए हमें ट्विंकलिंग, क्योंकि एटमोस्फियरिक रिफ्रेक्शन की वजह से लाइट वो अलग अलग जगह से है. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. ये भी हमने किया है. राइट, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं? यस, वेरी गुड. देखो वही लिखा है इसमें, ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हो. मैं इसीलिए एक बार रीड कर पढ़ रही हूँ. 11 नंबर में है व्हाई प्लैनेट्स. यस, ये होमवर्क में कर देना. डू नॉट, ये भी होमवर्क है. राइट, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. राइट, तो देखो यहाँ पे प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर लार्जर इन साइज देन द स्टार्स. राइट, एक तो ये है, दूसरा दे आर रिलेटिवली क्लोजर टू द अर्थ. राइट, क्योंकि वो अर्थ के नजदीक में है. प्लैनेट स्टार्स से अर्थ से नजदीक में है. प्लैनेट्स कैन बी कंसीडर एज अ कलेक्टेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट. राइट, और प्लैनेट ऑब्वियसली नजदीक है तो उसका मास भी कैसा होगा, उसका वजन और उसका जो वॉल्यूम है वो लार्ज नंबर में होगा. राइट, एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट प्रोड्यूस देयर आइदर ब्राइटर और डिमर इफेक्ट इन सच अ वे दैट द एवरेज और ब्राइटर डिमर इफेक्ट इज जीरो. राइट, और वो कभी कभी बहुत ही ज्यादा लाइट है, मतलब उसमें से हमें जो एटमोसफियर में से हम देखते हैं वो इमेज बहुत ही क्लियर आती है, इसीलिए उसका जो डिमिनिश या हाई ब्राइटर और लोअर होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. राइट, इसकी वजह से वो हमें क्लियर दिखते हैं. राइट, और वो ट्विंकलिंग नहीं होते हैं क्योंकि वो नजदीक है. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द व्हाई डज द सन अपीयर रेड इज अर्ली इन द मॉर्निंग. ये भी हमने किया है. अर्ली मॉर्निंग में सन रेड रेड क्यों दिखता है, लिख लेना ही है. चलो लिख लेते हैं 13 वाला लिख. रेड इज क्यों दिखता है हमें, 13 वाला लिख दो, क्योंकि हमने ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ वाला पढ़ा था. हाँ चलो 13 वाला लिख दो. कोई बात. व्हाई डज द सन Wavelength
blue color has shorter wavelength